जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए बड़ा ही सुंदर दिव्य प्रसंग है, और वह प्रसंग है 64 योगिनियां कौन है और इनका दिव्य स्वरूप का परिचय और इनकी पूजन आराधना कैसे की जाती है। और ये 64 योगिनियां किसकी शक्तियां हैं, किनके द्वारा ये कार्य करती हैं, इनका मूल आधार कौन है, इस विषय में आपको दिव्य और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। भक्तजनों, कुछ मेरे धर्म पुत्र ऐसे हैं जिनकी कुल देवी 64 योगिनी है, और वे जानना चाहते हैं कि इनकी पूजन आराधना कैसी की जाए। माँ, ये हमारी कुल देवी है और इन कुल देवी की पूजन अर्चना हम कैसे करें? हमारे पूर्वज चले गए, हमें बता नहीं पाए कि ये हमारी कुल देवी हैं, लेकिन हमारे दूर के कुछ रिश्ते के दादा और परदादा लोगों ने हमसे बताया कि बेटा, तुम्हारी कुलदेवी 64 योगिनी है। किंतु माँ, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हम इनकी पूजन आराधना कैसे करें? और उन्होंने पूछा, गुरु माता, इनका पूर्ण ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो, और ये 64 योगिनी है कौन, हमें पहले ये बताइए माँ। उन भक्तों के लिए मेरा यह बड़ा सुंदर प्रसंग था। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भक्तों, यह 64 योगिनी जो है माँ पार्वती जी का ही शक्ति स्वरूप है। माँ पार्वती जी की शक्तियां ही 64 योगिनियों के रूप में विद्यमान है। इन योगिनी की मूल आधार माँ भगवती पार्वती जी ही हैं, और 64 योगिनियों के साथ में भैरव भी हैं। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है भैरव स्वरूप। जो भक्त देवियों की आराधना करते हैं, उन्हें भैरव की आराधना करनी ही होगी। जो भक्त देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी ही होगी। इन 64 योगिनियों की पूजन आराधना कुल देवी के स्वरूप में भी होती है, और कई भक्त 64 योगिनियों की दीक्षा संस्कार भी ले लेते हैं, तो फिर उनकी पूजन इष्ट देवी के स्वरूप में होती है। मैं आपको सामान्य पूजन के बारे में बताऊंगी। सामान्य पूजन आप करते हैं कुल देवी के स्वरूप में, 64 योगिनी की भक्ति भी बड़ी कठिन भक्ति है। कुल परंपरा के आधार पर आप पूजन करना चाहते हैं, तो इन देवी की एकदम सिंपल पूजन है, और तंत्र पद्धति अपनाकर आप इनकी आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सतगुरु की कृपा पाना अति आवश्यक है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में इन देवियों को बलि दिया जाता है। बलि याने कुम्भड़ा की बलि, नारियल भी बलि का ही प्रतीक है, और जब आप पूजन करते हैं तब आपको नारियल भेंट करना चाहिए, माता रानी को भेंट करना चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए नारियल। और इन विद्याओं की पूजन पद्धति जो है अति गोपनीय है,
और जिन भक्त को इनके पूजन पद्धति के विषय में संपूर्ण विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो वे फोन कॉल के माध्यम से संपूर्ण सटीक पूजन पद्धति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।